आज हम देखने वाले हैं वापस से एक बड़े ही नेचुरल शानदार कंसेप्ट के बारे में। इसका नाम है बायो जियो केमिकल साइकिल। देखिए, आपने अक्सर सुना है कि हमें पानी बचाना चाहिए, है ना, हमें इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए, पेपर सेव करो, पेड़ कटते हैं इसकी वजह से, और बहुत सारी चीजें। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि ऑक्सीजन बचानी चाहिए? क्या कभी आपने सुना है नाइट्रोजन बचानी चाहिए? नहीं सुना? क्यों? इनकी तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑक्सीजन आपके सर्वाइवल के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है ये सब हम जानते हैं, क्योंकि इसके बिना तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, है ना। तो बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना कि इन सारे न्यूट्रिएंट्स को भी हमें बचाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बड़ा ही शानदार नेचुरल फिनोमिना इसके पीछे काम करता है, जिसको हम जानते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल के नाम से। अब देखिए, पहला वर्ड यहाँ पे साइकिल लगा हुआ है। साइकिल का मतलब ऐसा कुछ इवेंट्स या कुछ घटनाएं लगातार एक के बाद एक के बाद एक होती जा रही है और वापस से वो रिपीट होती है। अगर ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं तो हम उन्हें साइक्लिक इवेंट्स बोल सकते हैं, या उस पूरे इवेंट्स को हम जो उनके होने का एक तरीका है उसको हम एक साइकिल बोल देते हैं। अब यहाँ पे किस चीज की साइकिल की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें क्या होता है, जो भी हमारे न्यूट्रिशन एलिमेंट है ना, कौन कौन से, जैसे कि आपका कार्बन हो गया, वाटर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, सल्फर, ये भी बहुत सारे इसके अलावा और भी हैं। तो इन सब का जो सर्कुलेशन हो रहा है नेचर में, ये कहीं से आ रहे हैं, फिर कहीं जा रहे हैं, फिर कहीं जा रहे हैं, फिर कहीं और जा रहे हैं, और वापस से फिर इनिशियल स्टेज में आ जा रहे हैं, इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। बेसिकली व्हाट इज दिस, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, ये वाले, ठीक है। अब देखिए, बायो जियोकेमिकल साइकिल को समझने से पहले, वैसे जो मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स बताए, तो हम जनरली कार्बन साइकिल पढ़ते हैं, वाटर साइकिल पढ़ते हैं, नाइट्रोजन पढ़ते हैं, है ना, फास्फोरस पढ़ते हैं, सल्फर पढ़ते हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे बाद में। आज के सेशन में हम मेनली कवर करेंगे कि एक्चुअली में बायो जियोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या होता है, और उसके बाद में हम दो साइकिल्स को बीच में आज कवर कर लेंगे, कार्बन और वाटर साइकिल को। तो देखिए, बायो जियोकेमिकल साइकिल समझने के लिए आपको इस डायग्राम को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बात शुरू करते हैं यहां से। तो वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ रॉक यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, रॉक में क्या होता है, जो मिनरल्स हम लाते हैं मोस्टली, वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं, रॉक में आते हैं ना, सॉलिड फॉर्म में जमे हुए हैं। तो रॉक्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म ऑफ मिनरल्स भी है। अब रॉक्स के ऊपर क्या होता है, नेचुरल एजेंसीज जैसे हवा, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सब चीजें जो है वो लगातार काम करती रहती है, और इनके लगातार काम करने की वजह से क्या होता है, इनमें कुछ सर्टेन केमिकल रिएक्शन एक्शन होते हैं, जिसकी वजह से ये वीक होती चली जाती है, और वीक होने के बाद में फाइन पार्टिकल्स में टूट जाया करती है। तो जो फाइन पार्टिकल्स में टूटने का प्रोसेस है, ड्यू टू नेचुरल एजेंसीज लाइक वाटर, एयर, मॉइस्चर, टेम्परेचर, है ना, इन सबको हम क्या कहते हैं, मतलब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक कहते हैं। तो वेदरिंग ऑफ रॉक से क्या बनता है, ये फाइन पार्टिकल्स में टूट जाती है, सॉइल भी इससे फॉर्म होती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपके जो रॉक्स में मिनरल्स मौजूद हैं, वो वेदरिंग की वजह से वहां से बाहर आते हैं सॉइल की फॉर्म में। अब देखिए, ये सॉइल, ये मिनरल्स कहां गए, सॉइल में गए। कुछ लार्ज फ्रेगमेंट्स में भी रॉक टूट सकती है, जरूरी नहीं कि हर बार बहुत फाइन फ्रेगमेंट पर टूटे और सॉइल ही बने, है ना, कुछ बड़े साइज में भी टूट सकती है। तो जब वेदरिंग होगी आपके रॉक्स की, या इरोजन होगा इनका, तो यहां से जो न्यूट्रिशंस हैं इनमें मौजूद, इन रॉक्स में जिस भी टाइप की रॉक्स है, फॉस्फेट रॉक है तो वहां से फॉस्फोरस निकल जाएगा, तो वहां से जो रॉक मिनरल्स निकलते हैं वो कहां कहां जा सकते हैं, सॉइल में जा सकते हैं, ठीक है जी, और रिवर में जा सकते हैं। जब नदियां आपके रॉक्स के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर से बहती हैं, कुछ मिनरल वहां से कंज्यूम कर सकती हैं, पार्टिकल्स जो टूट करके आ रहे हैं वो नदियों में आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो रॉक्स में मौजूद मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे रिवर में भी जा सकते हैं, और ऐसे ही ओशियंस में भी जा सकते हैं। उनकी वेदरिंग होने के बाद हवा से बह गए, पानी के थ्रू बह करके वो अल्टीमेटली अगर ओशियंस में पहुंच गए, तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पहुंच जाएंगे, ओशियंस में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से यहां से हमारे रॉक में जो मौजूद थे न्यूट्रिएंट्स, वो वेदरिंग और इरोजन होने की वजह से सॉइल में भी पहुंच सकते हैं, रिवर में भी जा सकते हैं, और ओशियंस में भी जा सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे दो तरफ का एरो लगा हुआ है, तो यहां से जा भी सकते हैं और वापस से इसमें आ भी सकते हैं। तो सॉइल का अगर हम कहें कि बहुत लंबा प्रोसेस है, बिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, सॉइल के ऊपर लेयर बाई लेयर बाई लेयर बाई लेयर जमती चली जाती है, इमेंस टेम्परेचर, है ना, और प्रेशर की वजह से क्या होगा, वहां पे भी कुछ सर्टेन रिएक्शंस होंगी और वो वापस से रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सॉइल में मौजूद थे आपके न्यूट्रिएंट्स, वो कहां पहुंच गए, वापस से रॉक में पहुंच गए। इसी तरीके से
रिवर में जो घुले हुए हैं न्यूट्रिएंट्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है आगे चल करके, कहीं पर सॉइल में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, और वो वापस से रॉक्स पर भी ड्राई अप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये मान लीजिए जहां पर जाकर के रॉक्स आपकी ड्राई अप हो जाती है, वो जो अपने संग में न्यूट्रिएंट्स कैरी करके आ रही थी वो क्या कर देगी, यहाँ पे छोड़ देगी। ऐसे ही ओशियंस के साथ भी, वहां पर जो जमे हुए हैं, वहां पर जो डिजोल्व है न्यूट्रिएंट्स, वो ओशियंस का जो बेस है ना, बॉटम स्ट्रेटा जो है, वहां के रॉक्स में इनको पहुंचा देती है या पहुंच जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए, सॉइल से रिवर में कैसे जा सकते हैं, तो सॉइल जो कि अगर वो विंड से बह करके उसके कुछ पार्ट जो है रिवर में पहुंच गए, या फिर पानी के साथ बह करके रिवर में पहुंच गए, तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो कहाँ जाकर पहुंच जाएंगे, रिवर में पहुंच जाएंगे, वहां के पानी में डिजोल्व हो जाएंगे। और रिवर आपको पता है अल्टीमेटली अगर अच्छा खासा फ्लो है उनका, तो वो अपने स्लोप के हिसाब से बहती हुई कहाँ पे मिल जाती है, ओशियंस में मिल जाती है। तो रिवर के वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ओशियंस तक पहुंच सकते हैं। अब बात आती है बायोटा। बायोटा का मतलब होता है लिविंग बींग्स, चाहे वो किसी भी टाइप की हो ना, प्रोड्यूसर्स जैसे हमारे प्लांट्स हैं, क्या है, लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन लिविंग बींग है। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स आप जानते हैं वो सारे के सारे लिविंग बींग्स में आते हैं। तो इन्हें हम, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक ही टर्म में बायोटा बोल देते हैं। अब क्या होगा, सॉइल के थ्रू भी मिनरल्स जो हैं या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बायोटा में जाते हैं। कैसे जाते हैं, सॉइल में हम क्या करते हैं, है ना, प्लांट्स लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो प्लांट्स क्या करते हैं, वहां पर मौजूद मिनरल्स को जो सॉइल में है, जो डायरेक्टली आप मिट्टी खाओगे तो आपको तो नहीं मिलने वाले, लेकिन प्लांट क्या कर रहे हैं, उनको एक यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वहां से जो चीजें प्लांट जनरेट कर रहा है उसको कंज्यूम कर करके अदर लिविंग बींग्स में भी सॉइल में मौजूद हमारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच सकते हैं बायोटा के अंदर। ऐसे ही रिवर के साथ भी है, रिवर वाटर में जो मिनरल्स मौजूद हैं अगर उनको हम एग्रीकल्चर पर्पज में यूज करते हैं, या हम कहें कि वहां पर जो मौजूद लाइफ है ना, मछली वगैरह इस तरीके की चीजें जो रिवर के अंदर पाई जा रही हैं, उनके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स का पहुंच जाएंगे डायरेक्टली, और अगर आप उनको कंज्यूम करते हो, जैसे ह्यूमन अगर उसको कंज्यूम करते हैं या अदर लिविंग स्पीशीज उसको कंज्यूम करती है, किनको, जो रिवर में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको कंज्यूम करके भी हम डायरेक्टली रिवर के वाटर के जो न्यूट्रिएंट्स है वो बायोटा के अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही ओशियंस के साथ भी है, ओशियन में भी बहुत लाइफ होती है, मरीन लाइफ है, आपने देखा होगा, एक्वेटिक लाइफ है, प्लांट्स भी वहां पर होते हैं, है ना, तो ओशियन के न्यूट्रिएंट्स वहां भी पहुंच जाते हैं, और उनको जब फर्दर अदर लिविंग बींग्स उनको कंज्यूम करते हैं, तो इसके थ्रू वो जो ओशियन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स थे वो बायोटा में पहुंच जाया करते हैं। अच्छा जी, बायोटा से अब एटमोस्फेयर में कैसे जाएंगे, तो जैसे हम एक लिविंग बींग है ना, तो क्या कर रहे हैं, हम लगातार रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो दो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ आप लगातार लगातार संपर्क में बने हुए हो, कुछ कंज्यूम कर रहे हो, कुछ रिलीज कर रहे हो, तो ये कहाँ जा रहा है, सब एटमॉस्फेयर में जा रहा है। इसी तरीके से बाकी प्लांट्स की बात कर लें, अदर लिविंग बींग्स की बात कर लें, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वो भी कुछ एलिमेंट्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया करते हैं। इसी तरीके से आपके सॉइल में जो मौजूद है और ओशियंस में जो मौजूद है वो भी एटमॉस्फेयर में जा सकते हैं। और एक अलग चीज और यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, वॉल्केनोज की बात करें, तो वॉल्केनिक इरप्शन जब भी होते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे जबरदस्त विस्फोट होता है ना, बहुत सारी ऐश निकलती है, राख निकलती है, बहुत सारी गैसेज वहां से निकलती हैं, तो वो सारी ऐशेज और गैसेज कहाँ पे रिलीज हो रही हैं, वो भी एटमॉस्फेयर में चली जा रही हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, वो यहाँ मौजूद है, वो कुल मिलाकर के सब तरफ रोटेट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, इनकी फॉर्म्स जरूर चेंज होती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं होगा कि जिस फॉर्म में प्लांट कंज्यूम कर रहा है आप भी उसी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, जिस फॉर्म में कोई दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रही है कोई दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उसी फॉर्म में कंज्यूम करे, ये जरूरी नहीं है। सबके लिए अलग अलग यूजफुल फॉर्म है, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉडी स्ट्रक्चर या उनके अंदर किस तरीके के एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं, किस तरीके से वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी वगैरह बनाते हैं, तो उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग फॉर्म्स में वो होंगे, और उन सब की फॉर्म चेंज करने की व्यवस्था भी नेचर ने बड़ी शानदार कर रखी है, तो उसके बारे में भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी हमारी जनरल बायो जियो केमिकल साइकिल, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि मैंने कहा था कि आज हम कार्बन और वाटर की बात करने वाले, तो देखिए कार्बन साइकिल की बात करें, कार्बन बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। ठीक है, क्यों, देखिए आप प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं डे टाइम में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसके लिए सनलाइट की भी जरूरत होती है, और वो क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं, है ना, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं।
ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम भी डेली बेसिस पे, या हम कहें कि हम मिनट, एक मिनट में अगर एस्टिमेशन कहें तो एक एवरेज जो इंसान है वो करीब 15 से 16 ब्रीद लेता है, ठीक है। और हर एक ब्रीद में हम 1 से 2 लीटर, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर लंग्स, हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं। 22,000 से लेकर 44,000 लीटर पर डे ऑक्सीजन का हम कंजप्शन कर लेते हैं, जिसको अगर केजी में देखा जाए तो अराउंड 25 to 30 kg हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कार्बन साइकिल की। मैंने आपको इंपॉर्टेंस समझाई कि कार्बन लिविंग बींग्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो है वो 2-3 फॉर्म्स में हमें मिल सकता है कार्बन। देखिए, कार्बन गैस की फॉर्म में मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक एग्जांपल है। कार्बन जो है लिक्विड में, लिक्विड की फॉर्म में नहीं मिलेगा लेकिन लिक्विड में डिजोल्व जरूर जाता है, तो ये पानी में डिजोल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये लिक्विड की फॉर्म में भी आ गया। सॉलिड फॉर्म में भी हम बात कर लें तो हमारे जो फॉसिल फ्यूल, अगर हम देखें तो कोल को जैसे अगर एग्जाम्पल लें, कोयला जो होता है, तो उसमें आप कार्बन को किस फॉर्म में देख पा रहे हो, उसको आप कार्बन में सॉलिड फॉर्म में आप देख सकते हो। तो तीनों फॉर्म्स में ये पाया जाता है। हम बात करें सर्क्यूलेट कहां कहां से, किस किस तरीके से ये होता है, तो उसकी बात करते हैं। देखिए, ये कार्बन की 4 साइकिल्स हो सकती हैं या 4 प्रोसेसेस हो सकती हैं, हमने उनकी ड्यूरेशन के हिसाब से इनको डिवाइड करना है। तो सबसे पहला आपका है डेली साइकिल, यानी डेली बेसिस पे कार्बन की क्वांटिटी एक्सचेंज हो रही है एटमोस्फेयर के साथ में। किस वजह से, उसका मैंने आपको एग्जाम्पल अभी 2 बार दिया। रेस्पिरेशन जो चल रहा है लिविंग बींग्स का, उसकी वजह से कार्बन लगातार जो है हम कंज्यूम कर, सॉरी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बन को हम रिलीज कर रहे हैं। उस कार्बन को कोई और प्लांट्स जो है, प्रोड्यूसर्स जो है वो आपके, वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं। बट क्या है कि नाइट टाइम में जो प्लांट्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो डेली नाइट का टाइम जब आएगा तो क्या होगा, कार्बन की क्वांटिटी में फ्लक्चुएशन आ जाता है, ठीक है। कुछ कार्बन की क्वांटिटी फ्लक्चुएट कर जाती है डेली बेसिस पे, तो ये इसका एक डेली साइकिल था। दूसरा, अगर हम देखें साइकिल रिक्वायरिंग ईयर्स, डिकेड्स और सेंचुरीज, ऐसी साइकिल जिसमें कुछ साल लग सकते हैं, कुछ डिकेड्स यानी दशक लग सकते हैं, कुछ सेंचुरी यानी शतक, 100 साल का टाइम भी लग सकता है या 100 साल से ज्यादा का टाइम भी लग सकता है, ये कहां पे होगा। तो देखिए, लिविंग बींग्स जो है, जितने भी है, उनके अंदर भी कार्बन स्टोर है ना। आप, हम जितने भी लिविंग बींग है उनके अंदर भी कार्बन स्टोर होता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब तक आप लिविंग हो तब तक वो कार्बन आपकी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, तो अभी तो आपके अंदर बना रहेगा। लेकिन जब एक्सपायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है किसी भी लिविंग बींग की, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, अब क्या है, तो अब यहां पर जो कार्बन है अगर ये ऐसे ही पड़ा रहे तो क्या होगा, तब हमें वरीड होने की आवश्यकता है कि अब कार्बन कहां से लाएं। बहुत सारे लिविंग बींग डेड हो गए तो उन्हीं के अंदर पड़ा हुआ है, तो बाहर कैसे निकलेगा इनमें से। यही मैं कहना चाह रहा था कि बड़ा शानदार सा कंसेप्ट है। तो जब लिविंग बींग्स जब डिके, सॉरी डेड हो जाती है, तो इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो काम करना शुरू कर देती हैं और वहां से ऑर्गेनिक मैटर को रिलीज करवा देती हैं, जो सॉइल में भी जा सकता है, रिवर्स में भी जा सकता है, ओशन में भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो लिविंग बॉडी जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। इसके बेसिस पर तो देखिए आप, कुछ ईयर्स, कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिनकी लाइफ कुछ ईयर्स ही होती है, कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनकी लाइफ कुछ डिकेड्स होती है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ सेंचुरीज तक भी चली जाया करती है। तो ये डिपेंड करता है कि उनका लाइफ स्पान कितना है, उतने टाइम तक वहां पर कार्बन स्टोर रहेगा, और उसके बाद में जैसे ही वो डेड हो जाएंगे तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम करना शुरू कर देंगे, है ना, और वहां से कार्बन को रिलीज करवा देंगे वापस से एटमॉस्फेयर में। चलिए जी, सेकंड भी हो गई। थर्ड की अगर हम बात करें, तो साइकिल ऑफ, ऐसी साइकिल जिसमें 1 लाख साल या 1 लाख साल से ज्यादा का टाइम लग जाया करता है, ऐसी कौन सी साइकिल है। तो देखिए, ओशियंस में लगभग, यू विल बी सरप्राइज टू नो, कि सबसे ज्यादा पोर्शन जो कार्बन का डिजोल्व है या अवेलेबल है वो हमारे ओशियंस में होता है। तो अराउंड 71% जो टोटल कार्बन है उसका 71% जो है वो हमारे ओशियंस में डिजोल्व है। इसी वजह से ओशियंस को कार्बन का सिंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बन की बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी को कंज्यूम किए हुए है। यहां से निकलना थोड़ा मुश्किल है, आना थोड़ा सा आसान है। तो ये कंज्यूम कर रहा है अपने अंदर काफी सारी क्वांटिटी को स्टोर किए हुए है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द सिंक ऑफ कार्बन, ठीक है जी। तो यहां से कार्बन के एक एटम को निकलने में लगभग 1 लाख साल का टाइम लग जाया करता है। जो ओशियंस में डिजोल्व है उसको निकलने में थोड़ा सा टाइम काफी ज्यादा लग रहा है, करीब 1 लाख साल या इससे भी ज्यादा का टाइम लग सकता है। ओशियंस में देखिए, एक चीज और भी है,
आपने ऑयस्टर शेल्स वगैरह इनका नाम सुना होगा, तो क्या करते हैं ये जो कार्बन वहां पर डिजोल्व होता है इसको यूज करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं और शेल बना लेते हैं अपने बॉडी के अराउंड। ठीक है, तो ये काफी लंबे टाइम तक यहाँ पे रखी रहती है, पड़ी रहती है, अनटिल अनलेस ये इसको डिके होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, सरफेस पे आएगी हो सकता है, वहां आने के बाद में इसको डिकम्पोज कर लिया जाए। तो इस तरीके से कार्बन कई सारी फॉर्म्स में ओशियन के अंदर स्टोर रहता है, कुछ डेड जो ऑर्गेनिज्म है उनकी फॉर्म में उसके फ्लोर पर पड़ा हुआ है, लिविंग में भी है, पानी में डिजोल्व भी है, और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में भी ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइकिल की, जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लग जाया करता है। तो फॉसिल फ्यूल का जो बनना है, कोल पेट्रोल डीजल का बनना जो है, तो ये कैसे बनता है ना? तो ऐसा है कि जब पेड़ पौधों पर या लिविंग बींग्स पर बहुत हाई इमेंस टेम्परेचर और प्रेशर काम करता है, यानी कि ये जमीन के अंदर दब गए हैं, लेयर बाय लेयर इनके ऊपर जमती जा रही है, इतना सारा मैटर इनके ऊपर ओवरबर्डन पड़ रहा है, उसकी वजह से बहुत इमेंस प्रेशर लग रहा है, टेम्परेचर लग रहा है, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही है, एंड देन जाकर के कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, फॉसिल फ्यूल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाया करते हैं। तो ये जो फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट होने का काम है, इन लिविंग बींग में जो कार्बन था इसको भी बड़ा टाइम लगता है, और वहां से इनको वापस निकाल कर लाना, कोयला बना आज का नहीं है, बहुत पहले का बना हुआ है, अब हम उसको निकालते जा रहे हैं और बराबर हम क्या कर रहे हैं उसको वेरियस प्रोसेसेस में यूज करते जा रहे हैं, उसे बर्न कर रहे हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो अगेन जो जमा था बहुत लंबे टाइम के अंदर, बहुत लंबे टाइम में फॉसिल फ्यूल्स जो आपके फॉर्म हुए थे, अब वो निकाले जा रहे हैं और वापस से उनके अंदर से कार्बन जो है वो रिलीज हो रहा है कहां पर, एटमोसफेयर में। तो ये भी एक बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है, करीब मिलियंस ऑफ ईयर इसके अंदर लग जाते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ आपकी कार्बन साइकिल खत्म होती है। इन कुछ प्रोसेसेस में कार्बन आ रहा है और किसी और फॉर्म में चेंज हो रहा है, फिर वहां से किसी एक्टिविटी की वजह से वो वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज होता जा रहा है। तो ये चार प्रोसेसेस है बेसिकली। अब हम सेकेंड बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात करते हैं, जो कि हमारी वाटर साइकिल। वैसे हमने एक सेशन में कवर किया हुआ है, इसमें जनरली हमको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर जिसको आप वाटर साइकिल के नाम से जानते हो वो हमें देखना है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में आज भी बात कर लेते हैं। देखिए, वाटर का अकरेंस जो है बड़ा एक नेचुरल शानदार सा फेनोमेना है, अगेन कि पानी जो होता है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, टेम्परेट हो जाता है, गर्म हो जाता है, वेपर बन जाता है, गैस की फॉर्म में आ जाता है, गैस की फॉर्म में आ जाता है तो हल्का हो जाता है, देन ऊपर उठ जाया करता है, ऊपर उठ जाता है फिर वापस से जाकर के वो कूल डाउन हो जाता है, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन में क्या होगा, वेपर से अगेन वो ठंडा होने के बाद में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद में जब सुटेबल माहौल होता है तो फिर प्रेसिपिटेशन होने लग जाती है। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या, वापस से अर्थ पर पानी का किसी भी फॉर्म में आ जाना, चाहे वो रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में आए यानी वाटर की फॉर्म में आए, चाहे वो हेल्स की फॉर्म में आए यानी कि ओले की फॉर्म में आए, चाहे वो स्नो की फॉर्म में आ जाए, तो किसी भी तरीके से पानी वापस से अल्टीमेटली लौट करके जमीन पर आ रहा है। तो ये सारी की सारी फॉर्म्स हमारी क्या कही जाती है, प्रेसिपिटेशन कही जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा देखिए, ये हमने बात करी इवेपोरेशन की, कहां से, वाटर बॉडीज से हमने एक बात करी कि वहां से पानी इवेपोरेट होता है। इसके अलावा इवेपोरेशन का ह्यूज अमाउंट और भी कुछ जगहों से जाता है, जिसमें अगर हम बात करें जो प्लांट्स है हमारे, है ना, प्रोड्यूसर जो है, तो आपको पता है कि उनके जो ग्रीन पोर्शन होते हैं उनमें अच्छी खासी मॉइस्चर होती है, और जब उनके ऊपर धूप पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, तो क्या होगा, वहां से भी पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में हमने बात भी की थी लास्ट सेशन में, कि अगर आप किसी प्लांट के ऊपर एक पॉलीबैग बांध दीजिए दिन के टाइम में, तो आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद आप उस पॉलीबैग में वाटर की ड्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये क्या था, जो ग्रीन पोर्शन में प्लांट के मॉइस्चर थी वो सनलाइट से हीटअप होकर के इवेपोरेट होकर के वापिस एटमोसफेयर में उठने लग जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और एक और टर्म जिसको हम बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, अभी ट्रांसपिरेशन में हमने देखा कि केवल और केवल प्लांट्स के ग्रीन पोर्शन से जो पानी निकल रहा है वो आता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में। अब ऐसा है कि जहां पर प्लांट लगे हुए हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल एक गार्डन की बात कर लेते हैं, गार्डन में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, अब क्या होगा, क्योंकि प्लांट्स को सर्वाइव करना है तो हम वहां पर वाटर भी अप्लाई करेंगे। तो वाटर जब अप्लाई करते हो तो आप कहाँ डालते हो, सॉइल में डालते हो, सॉइल में से वो वाटर कंज्यूम करता है, लेकिन सारा का सारा पानी जो सॉइल में डाला गया है क्या वो पूरा का पूरा अमाउंट प्लांट्स कंज्यूम कर पाते हैं, नहीं कर पाते।
आपको पता है कि कुछ पोर्शन जो है वो इवेपोरेट हो जाता है सोइल से ही, प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो अगर हम प्लांट्स से होने वाले इवेपोरेशन प्लस सराउंडिंग सॉइल में जो आसपास के इलाके में जो मॉइस्चर है वहां से भी इवेपोरेशन हो रहा है, अगर इन दोनों को कंबाइंड कर लें तो इसे हम बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन बोला जाता है। ट्रांसपिरेशन मतलब केवल और केवल प्लांट्स के ग्रीन पोर्शन से निकलने वाला पानी, और इवेपोट्रांसपिरेशन मतलब प्लांट्स प्लस उसकी सराउंडिंग जो सॉइल है उसमें भी जो मॉइस्चर मौजूद है अगर वो भी इवेपोरेट होती है। तो इन दोनों को अगर मिला लिया जाए, प्लांट्स प्लस सॉइल वाली, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। तो यहां से भी पानी आपका सॉइल से एटमोस्फेयर में जा रहा है, प्लांट से एटमोस्फेयर में जा रहा है, देन अगेन वही क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं और वापस से प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में वो जमीन पर आ जा रहा है। कुछ पानी जमीन में चला जाता है, इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, ग्राउंड वाटर में पहुंच जाया करता है। कुछ पानी जो होता है एक्सेस पानी जो होता है जो कि जमीन के अंदर नहीं जाता, सरफेस पे बहने लग जाता है, सरफेस फ्लो बोलते हैं उसे हम, और उसका बेटर नाम क्या है, सरफेस रन ऑफ उसको हम बोला करते हैं। ये भी हमने लास्ट सेशन में कवर किया था, अगर आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखेंगे तो वहां पर आपको ये काफी डिटेल में बताया गया है। सरफेस रन ऑफ होता है तो सरफेस रन ऑफ स्ट्रीम्स में चला जाएगा, रिवर्स में चला जाएगा, और अल्टीमेटली पहुंचता हुआ वो ओशियंस तक भी पहुंच जाया करता है। तो ये थी हमारी वाटर साइकिल। एक बार बायोजियोकेमिकल साइकिल का शॉर्ट में रिविजन भी कर लेते हैं। देखिए बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो हैं कौन से, कार्बन वाटर नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर, इन सब का जो सर्कुलेशन होता है नेचर में उसको हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब वो कैसे होता है वो इस डायग्राम के थ्रू हम देख चुके हैं। रॉक्स, रॉक से कहां जा सकता है, सॉइल में जा सकता है, रॉक से रिवर में जा सकता है। जब रॉक्स की वेदरिंग होती है ना, ये फाइन पार्ट में टूटा करती है, सॉइल भी बन जाती है, तो इसमें से जो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो सॉइल में भी जा सकते हैं, रिवर में भी जा सकते हैं, ओशियंस में भी जा सकते हैं, और ऐसे ही फिर फर्दर सॉइल से वो बायोटा मतलब लिविंग बींग्स में आएंगे, प्लांट्स के थ्रू आ जाएंगे, रिवर से भी वो बायोटा जो हमारे लिविंग बींग्स हैं उनमें जा सकते हैं, ओशियंस से भी वो लिविंग बींग्स में जा सकते हैं, और बायोटा से जो है हमारे लिविंग बींग्स से एटमोस्फेयर में, जैसे कि हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन हम बराबर कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बराबर रिलीज कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो बायोटा से एटमॉस्फेयर में बराबर सर्कुलेट होते रहते हैं। ठीक है, क्लियर।